नमस्कार मित्रों, आज यू डाइस के बारे में एक और ख़ास जानकारी है। जैसा कि हमने यू डाइस के थ्रू अपनी जो स्कूल की प्रोफाइल अभी पिछले ही महीने अपडेट की थी, तो उसका सर्टिफिकेशन का कार्य जो है वो चालू हो चुका है। तो आप उसे कैसे वेरीफाई कर पाएंगे, स्वतः प्रमाणित करना है इसे, और उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है वो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो उस प्रोसीजर को आज यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें, जैसा कि आपने यू डाइस प्रोफाइल अपडेट के समय किया था। तो दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपको राइट हैंड कॉर्नर पर जो बटन दिख रही है उस पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो नीचे की तरफ लॉगिन होकर के दिखाई देगी। इस पर आपको यहाँ पर जो स्टेट है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो गो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे अपने स्टेट का और अपने स्कूल का जो आपका फिर आईडी पासवर्ड है। गो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये जो स्क्रीन है ऐसा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपका जो स्कूल का यू डाइस कोड है या डाइस कोड है उसे आपको एंटर करना है। पासवर्ड जो आपने प्रोफाइल अपडेट करते समय बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल की पूरी डिटेल जो है जानकारी और यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें आपको चेक कर लेना है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर वैसे नहीं रहती है, और अगर हो तो आप इसे अभी करेक्शन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद आप कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं प्रोफाइल अपडेशन के लिए ही थे। तो अब सीधे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। तो दोस्तों, वेरीफाई करने के पहले आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। इस माय प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन सामने आएगी वो आपको वेरिफिकेशन के समय बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप माय प्रोफाइल पर क्लिक करके ये देख लें कि आपके में क्या डिटेल शो हो रही है। तो दोस्तों, आपको प्रोफाइल के अंदर ये कुछ खास चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में जो नेम है आपका, इस स्कूल में जो हेड का या जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये नाम और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। इस मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आप इस पूरे डेटा को, आपके जो स्कूल है, जो भी आपने प्रोफाइल अपडेट की है स्कूल की, उस पूरे डेटा को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी से आपको ये वेरीफिकेशन करना होगा। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है स्कूल का, डेजिग्नेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम डाला हुआ है, इनका डेजिग्नेशन यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षक का, तो इनके मोबाइल पर ये ऑथेंटिकेशन आएगा और इसके थ्रू आप इस पूरे डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस को समझ लेते हैं जल्दी से। अब आपको यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन डीसीपी, इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को एक बार फिर से ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है रेड कलर से, और जो ओवरऑल स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स लिखा है, मतलब आपके फॉर्म जो है सभी कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन डेटा जो है अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो सेक्शन दिए हुए हैं, जो आपके जो सेक्शन थे टोटल 42-43 जो सेक्शन थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट बताना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है, और ये जो है आपका कंप्लीट ऑल फॉर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। तो चलिए, अब ये जो नॉट वेरीफाइड आ रहा है, नॉट सर्टिफाइड आ रहा है, इसे हम सर्टिफाइड करेंगे। तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर सर्टिफाइड करने से पहले आपको ये जो राइट हैंड में जो ये सारी डिटेल देख रहे हैं आप, इसे बहुत अच्छे से देख लें कि अगर आपकी सारी ग्रीन है तो मतलब आपको सर्टिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर इसका सबका रेफरेंस भी दिया हुआ है कि रेफरेंस आपका अगर 15 से ज़्यादा है तो ये ग्रीन होगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर 16.5 है, मतलब 15 से ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रीन है। इसी प्रकार ये 0 से ज़्यादा और 60 से कम होना चाहिए, 16.5 है तो ये भी ग्रीन है। इसी प्रकार स्टूडेंट रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये सारे रेशियोज आपकी ग्रीन सिग्नल में होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और येलो में भी हो सकते हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है, जो आपका है, ये कभी कभी येलो में भी आ जाता है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्टिफाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे आप बदल नहीं सकते। तो चलिए देख लेते हैं, नीचे आ जाएं और आप सर्टिफाइड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको सर्टिफाइड करने के लिए ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन मॉड्यूल लिखा हुआ है। तो आपको जो चेक बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन बाय में वही नाम यहाँ पर एंटर करना है जो कि प्रोफाइल में हमने यहाँ पर माय प्रोफाइल में जो
तो सेम आपको वैसा ही नाम यहाँ पर फिल कर देना है जैसा कि हमने यहाँ प्रोफाइल में अभी शुरुआत में देखा था। डेजिग्नेशन भी आप वही यहाँ पर फिल कर देंगे जो अभी हमने यहाँ प्रोफाइल में देखी थी। मोबाइल नंबर भी आपको इस प्रोफाइल में जो हमने देखा था, ये तीनों चीज़ें आपको सेम वैसी ही फिल करनी है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्रोफाइल में देखा था। तो चलिए ये तीनों चीज़ें आप जैसे ही फिल करेंगे और नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर वेरीफाई का, तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे हैं जैसे ही हमने इसे सर्टिफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया ओटीपी के थ्रू, तो यहां पर जो है सर्टिफाई जो ग्रीन कलर से लिखा आने लगा जो कि अभी तक रेड कलर से नॉट सर्टिफाइड यहां पर लिखा हुआ था। तो चलिए अब हमने ये सर्टिफाइड तो कर दिया है, अब इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है, एक्नॉलेजमेंट निकालना है। तो इसे आपको फिर से नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट कार्ड जिसे हम DRC कहते हैं, SRC जो कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड है, ये हम पहले ही डाउनलोड कर चुके थे जब हमने प्रोफाइल अपडेट की थी। अभी आपको जो आपका एक्नॉलेजमेंट है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको 42 नंबर पर कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ है, तो चलिए इसी पर आपको क्लिक कर देना है और आपका फिर से जो एक्नॉलेजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रक्रिया आपकी जो है एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने तक की, सर्टिफिकेशन से लेकर के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।